हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं और आप 10th पास हैं तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। कार्यालय चपरासी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हो गया है। इस भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हो गया। आपने काफ़ी समय पहले एक GDS की वैकेंसी देखी थी। GDS में कुछ 38,000 की समथिंग वैकेंसी निकली थी। उसमें भी आपकी जो एग्जाम नहीं थी और इसमें भी आपकी ना परीक्षा ना इंटरव्यू, यानी कि आपको जो डायरेक्ट 10th के प्राप्त अंकों के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इंटरव्यू भी आपका नहीं होगा, केवल आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके आधार पे आपको इसमें जॉब मिलेगी। और इसमें महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑल स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप सभी राज्यों से ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी भी बताएंगे कि कैसे आपको ये ऑनलाइन करना है। तो आप सभी राज्यों से ऑनलाइन इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 30 तारीख से पहले पहले, यानी कि अभी इसके 32 डेज बचे हुए हैं, 32 दिनों तक अभी वो फॉर्म चलेगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। और इसी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर आपके कुछ क्वेश्चन या डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें आपको बताया, आप देख सकते हो ऑफिस पियोन की वैकेंसीज है, ऑफिस पियोन की वैकेंसीज है। और इसमें आपको बताया सरकारी नौकरी के तलाश कर रहे युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। कार्यालय पियोन भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कार्यालय पियोन की डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए किसी भी तरह की आपकी परीक्षा का आयोजित नहीं की जाएगी, यानी कि परीक्षा जो है इसमें नहीं होगी। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। यदि आपने 10th में अच्छे परसेंटेज प्राप्त कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें बताया गया है, आप देख सकते हो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये जो डाउट्स रहेगा कि सर, हमने तो जैसे कि 50 से लेकर 60 नंबर 10th में प्राप्त किए हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको पता होना चाहिए कि GDS में काफ़ी सारी स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है वो 50 भी गई है, 50, 55, 60 तक भी गई है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर आपको बताया गया है कार्यालय पियोन भर्ती प्रक्रिया के लिए कौन आवेदन कर सकता है। कोई भी, इसमें आपको बताया सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे, कोई भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं पास उम्मीदवार ऑफिस पियोन के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ आपको बताया कार्यालय पियोन रिक्रूटमेंट 2022 आयु सीमा, यानी कि इस रिक्रूटमेंट में आपकी एज क्या रखी गई है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये बताया गया है, इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक जनरल अभ्यर्थी, यानी कि जनरल अभ्यर्थी के लिए एज कितनी, 18 से लेकर 27 वर्ष। इसके बाद आपको यहाँ बताया गया है कि जो OBC अभ्यर्थी हैं, OBC अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट है। इसके बाद आपकी एक कैटेगरी और है SC और ST, इन अभ्यर्थियों को यहाँ 3 साल की है, 3 साल की, और यहाँ 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताया है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी कि जो आपके 10th के परसेंटेज हैं, जैसे कि आपने 50% प्राप्त किया है, 60% किया है, 70% किया है, इसके आधार पर आपकी इसमें मेरिट बनेगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, यानी कि अटेंडेंट की जो पोस्ट है, परिचारक की जो पोस्ट है, इसके लिए आपको बुलाया जाएगा। कितने अभ्यर्थियों को, 3 गुना। तो 3 गुना वैकेंसियों की तुलना में 3 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा। और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे GDS में भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए थे, तो आपको भी यहाँ 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और आपको जॉब बिहार से मिल रहा है, बिहार राज्य से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। 23/9 से फॉर्म स्टार्ट होगा, 23/9 से, और 31/10 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बताया भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। आप सभी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि झारखंड से आप अप्लाई कर सकते हैं, UP से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सभी स्टेट से आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें वैकेंसी डिटेल्स आपको बताइए, 238 है, 271 वैकेंसीज है, ऑफिस अटेंडेंट की ये वैकेंसीज है, कार्यालय परिचारक की वैकेंसीज है, 5,200 से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिल जाएगा। ये टेंटेटिव है, लेवल 1 है, स्टेट गवर्नमेंट का जो लेवल 1 है वो आपको इसमें बताया गया, लेकिन आपको टेंटेटिव वेतन बताया जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो लेवल 1 है वो आप देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर आपको बताया कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है यदि वो 10वीं पास है, यानी कि 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म
अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आपको रिजर्वेशन कैसे प्राप्त होगा, अनुसूचित जनजाति को कितना रिजर्वेशन है, दिव्यांग अभ्यर्थियों को कितना रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ बताया गया है। और एज आपकी यहाँ बताई गई है जनरल एस सी एस टी ओबीसी को कितनी कितनी छूट मिल रही है, 1 अगस्त से एज की गणना की जा रही है वो आप यहाँ से देख सकते हो। यानी कि काफ़ी सारी और भी जानकारी आपको इसमें बताई गई है। फॉर्म में यदि आप भरना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको होना होगा, dst.bihar.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिशियल